हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी. ऑल राइट क्लास, सो एज यू नो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. सो क्लास, अब तक हमने इस चैप्टर में देखा कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है. ठीक है, जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो करती हैं किसी एरिया पर, दैट इज़ अ नेचुरल वेजिटेशन. और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, दैट एनिमल लाइफ जो होती है पूरी की पूरी हमारी, जो फॉरेस्ट में रहती है. ऑल राइट, दैट रेफर्स टू द एनिमल लाइफ फाउंड इन द फॉरेस्ट, दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ. ऑल राइट, इसके बाद हमने देखा कि जो ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, इसके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है. आफ्टर दैट हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में देखा, वाइल्ड फायर्स के बारे में देखा कि कैसे इन चीज़ों की वजह से हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है. सो बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द फॉरेस्ट्रीज इन इंडिया, फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा आज का. इसमें हमें बताया गया कि इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है और किस स्टेट में कितना है. अकॉर्डिंग टू द 2008 सर्वे, जो सर्वे हुआ था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें ये देखा गया कि इंडिया का जो, अगर हम माने 100% पूरा जो लैंड है उसका 20.6% एरिया है जो, दैट इज़ अंडर द फॉरेस्ट कवर. जबकि ये कितना होना चाहिए था बच्चे, 33% होना चाहिए था. ऑल राइट, वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर इज़ 1.6. 20% का 1.6 है जो, दैट इज़ अ वेरी डेंस फॉरेस्ट. आफ्टर दैट 10.2% है जो मॉडरेटली डेंस, कहीं पर बश लैंड है. ऑल राइट, इसके बाद बच्चे हमें यहाँ पर बताया गया कि स्टेट वाइज मध्य प्रदेश का जो लार्जेस्ट एरिया है 11% वो फॉरेस्ट अंडर है. अरुणाचल प्रदेश में ये 10% है, छत्तीसगढ़ में 8.5, उड़ीसा 7, महाराष्ट्र 7%. तो इस तरह से ये हमें जो 20% है ना उसका, उसको डिवाइड करके बताया गया है कि कौन से स्टेट में कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर है. फॉरेस्ट एरिया हैज़ बीन डिक्रीजिंग इन इंडिया. अब ये कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया में रेगुलर डिक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं फॉर फार्मिंग, फ्लडिंग फॉर इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रीज, रोड्स, इन सब चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट को कवर कर रहे हैं. क्योंकि हमें वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनानी है, हमें वहाँ पर डैम्स बनानी है, हमें फार्मिंग करनी है, वहाँ पर घर बनानी है, इन सब चीज़ों के लिए. ऑल राइट, तो बच्चे हमने पहले देखा था कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम उनको ही ख़त्म करते जा रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग. ओके, तो हमने क्या करना है बेटा, उनको कंजर्व करना है, उनको बचाना है. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट दैट इज़ स्टिल लेफ्ट इन इंडिया. जो बाकी के फॉरेस्ट बचे कुछ हमें, हमारे पास रह गए हैं, उनको हमें बचाने की ज़रूरत है. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चे, हैज़ डिक्लेयर मैनी ऑफ देम एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट्रीज को, उनमें से कुछ को रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, कुछ को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया. प्रोटेक्टेड एंड जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं आर ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन्ड किए जाते हैं. एंड द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू अलाउ द पीपल टू एंटर दीज फॉरेस्ट. अब हम गवर्नमेंट की परमिशन से ही उन फॉरेस्ट्रीज में एंटर कर सकते हैं. रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में कुछ डिफरेंस होते हैं. एंड द डिफरेंस इज़ कि यहाँ पर जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ बैन है, चाहे वो हंटिंग है, चाहे वो ग्रेजिंग है. ऑल राइट, हम सिर्फ गवर्नमेंट की परमिशन से, जब गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देगी तभी हम वहाँ पर जा सकते हैं. ऑल राइट, लेकिन जो प्रोटेक्टेड होती है उसमें हम तब तक जा सकते हैं जब तक हमें गवर्नमेंट मना ना करे. जिस दिन हमने, गवर्नमेंट ने हमें मना कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते, तो उस दिन के बाद हमारा वहाँ पे जाना बैन हो जाएगा इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्रीज. सो दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्रीज. ऑल राइट क्लास, आफ्टर दैट बच्चे व्हाट वी हैव, यस, वाइल्ड लाइफ. नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ. यहाँ पर हमें क्या दिया गया, एज यू नो वाइल्ड लाइफ क्या होती है, रेफर्स टू द ऑल नॉन डोमेस्टिकेटेड. बेटा एक हमारे पास डोमेस्टिकेट एनिमल होते हैं, एक वाइल्ड एनिमल होते हैं. ठीक है, तो जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल होते हैं किसी भी एरिया में जो मिलते हैं, दैट इज़ अ वाइल्ड लाइफ ऑफ दैट एरिया. इट कंप्राइज
ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक मैमल्स, रेप्टाइल, एम्फीजियन, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. इसमें हर तरह के एनिमल्स आते हैं, चाहे वो मैमल्स ही हों, चाहे वो रेप्टाइल्स हों, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं. ऑलराइट, हर तरह के एनिमल्स यहाँ पर आते हैं. सो बच्चे, हमें यहाँ पर बताया गया कि वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है. ध्यान से हम इसे समझेंगे. एनिमल्स मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर. एनिमल्स बच्चे क्या करती हैं, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है नेचर का, उसे मेंटेन करके रखती हैं, बना के रखती हैं. कैसे? आपको पता है कि एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरे एनिमल तीसरे को, और तीसरा इसको. ऐसे हमारे यहाँ पर एक पूरी प्रॉपर फूड चेन बनी होती है. ऑल राइट, अब यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए इसमें से अगर ये वाला जो एनिमल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो ये वाले एनिमल्स हैं जो, इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और ये वाले एनिमल्स हैं, इनको खाने वाला कोई नहीं होगा. ठीक है, तो क्या होगा, ये इनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि जिसको ये खाते हैं, ठीक है, जो इनका फूड है वो नहीं है, और इनकी जो क्वांटिटी है, अमाउंट है हमारी अर्थ पर, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं है. बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा. ठीक है, तो इस फूड चेन को हमने ख़राब नहीं होने देना है. दैट इज़ अ फूड चेन और फूड वेब. ओके, तो यहाँ पर होता है बच्चे, बर्ड्स फीड ऑन वर्म्स एंड थस प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम सच पेस्ट. जो बर्ड्स होते हैं वो क्या, कीड़े मकोड़े जो खाते हैं, ओके, वर्म्स वगैरह को खाते हैं. तो इससे क्या होता है बच्चे, हमारे जो खेत होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं किससे, पेस्ट से. बर्ड्स लाइक वल्चर एंड क्रोज फीड ऑन द डेड एनिमल्स एंड एक्ट एज अ स्क्वेंजर्स. जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, लाइक एज, ठीक है, तो कुछ बर्ड्स वल्चर और क्रोज उनको खाते हैं, तो दैट ऑल्सो एक्ट एज अ स्क्वेंजर्स. ह्यूमन क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को हंट करते हैं फॉर देयर मीट. ऑल राइट, तो यहाँ पर भी हमारा बहुत सारा, जो हम कह सकते हैं मील है एक तरह की हमारी, जो एनिमल्स होते हैं. देयर इज़ अ डिफाइनाइट फूड चेन इन द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम एक डिफाइनाइट फूड चेन है. मीन्स यहाँ पर क्या होता है बच्चे, हार्बीवर्स क्या करते हैं, फीड ऑन प्रोड्यूसर. प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं, हार्बीवर्स वो एनिमल्स होते हैं बच्चे जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं. ठीक है, हार्बीवर्स क्या करती हैं, प्लांट्स को खाती हैं. कार्निवर्स क्या करते हैं, फीड ऑन हार्बीवर्स. ये कार्निवर्स हार्बीवर्स को खाती हैं, और ओमनीवर्स फीड बोथ ऑन हार्बीवर एंड कार्निवर. सो व्हेन द ओमनीवर्स एंड कार्निवर्स डाई, जब ये ओमनीवर और कार्निवर क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर दे रिमेन गेट मिक्सड इन टू द अर्थ एंड प्रोवाइड फूड फॉर द प्लांट. तो इनके जो रिमेन्स हैं वो अर्थ में मिक्स हो जाएंगे. जब ये अर्थ में मिक्स होंगे तो ये प्लांट को फूड प्रोवाइड करेंगे. मींस जो हमारी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हो जाएंगे उसमें, जिससे वहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ होगी. फिर प्लांट्स क्या करेंगे, फूड बनाएंगे, और वो फूड फिर हार्बीवर्स को जाएगा, और ऐसे ही हमारा पूरा का पूरा साइकिल चलता रहता है. ऑलराइट, सो थस द साइकिल इज़ कम्प्लीट. ऐसे हमारा ये साइकिल कम्प्लीट होता है. इट हाईलाइट्स द इंटरडिपेंडेंट. ये हाईलाइट करता है कि कैसे जो हमारी लाइफ है वो एक दूसरे पर डिपेंड है. इसीलिए ये कहते हैं दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अर्थ. तो अगर हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को अर्थ पर मेंटेन करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ. ऑलराइट, सो नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि हम वाइल्ड लाइफ को कैसे अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इस टॉपिक को बच्चे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. ऑलराइट, फिलहाल आपने क्या करना है, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, समझिए, और ये मैप्स भी हम करेंगे. आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस चैप्टर आपको ये मैप प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ. सो क्लास फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.